और अभिनंदन। ये नवरात्र का दूसरा दिन है तो एक प्रश्न आया कि गुरुदेव नवरात्र में क्या संभोग किया जा सकता है। तो बड़ा सुनने में अटपटा प्रश्न है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि नवरात्र में संभोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानना है यह नवरात्र क्या, यह नौ रातें, नव माने नौ होती है, नाइन, नाइन नाइट्स, और नव का अर्थ एक नया भी होता है, नवीन, नव से ही नवीन बना है। तो ये जो ऐसी रातें जो आपको नवीनता प्रदान करें, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर दें, यह ऋतुकाल संधि चल रही है, माने वैसे तो छह ऋतुएं हैं भारत की जलवायु के अंतर्गत, लेकिन इनमें भी स्पेशली ठोस रूप से देखा जाए और इनको थोड़ा ग्रॉस किया जाए तो तीन ही ऋतु हैं, वर्षा, गर्मी और सर्दी, ठीक है ना। बाकी की जो छोटी छोटी जो ऋतुएं हैं वो इनसे ही उत्पन्न होते हैं, इनसे ही मिली जुली हैं, क्योंकि गर्मी में बरसात भी हो जाती है और बरसात में गर्मी भी होती है, जाड़े में भी बरसात हो जाती है और बरसात में ठंड भी हो लगने लगती है। तो मुख्यतः जो है तीन है, तीन को छः कर दिया है, दो दो महीने के 12 महीने बना करके। तो जो ये ऋतु हैं, ये जो सर्दी शरद काल शुरू हो रहा है, शारदीय नवरात्र है, तो अगले 6 महीने तक, माने अगली नवरात्र तक एक ठंड का माहौल रहेगा। स्टार्टिंग हल्की ठंड से होगी, ज़्यादा ठंड होगी और ज़्यादा होगी, फिर उसमें बसंत ऋतु आ जाती है जिसको मैं यहाँ पर गिनती में नहीं ले रहा हूँ, फिर हल्की ठंड हो जाएगी, जैसे शरद काल में शरद ऋतु में ठंड होती है, ऐसे ही बसंत ऋतु में मौसम होता है लगभग। तो ये एक संधि काल है, ठंड आ रही है आपके वातावरण में, नमी पैदा हो रही, तो अपनी इम्यूनिटी को कैसे नया करें ऋतु के अनुसार, नवीन करना अपनी ऊर्जा के लिए। और ये नौ रात्रि है, नव माने नौ और नव माने नया, नवीन करना, नया करना, रिन्यूअल करना अपने शरीर की क्षमताओं के लिए। तो ये जो नाइन नाइट्स का जो प्रोग्राम है, अगर इस समय 9 दिन ऋषि मुनियों ने जान लिया था कि जो 9 दिन अगर व्यक्ति अपनी काम ऊर्जा को, अपनी सेक्स एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं करता है और प्रकृति से जुड़ के, ऋतु से जुड़ करके कुछ उपवास चिकित्सा करता है, उपवास जो चिकित्सा है वो प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत है। बहुत सारे लोग उपवास रहते हैं, कोई एक समय भोजन करता है, कोई दोनों टाइम फलाहार करते हैं, कोई एक टाइम फलाहार करता है, कोई जल पी के रहते हैं, कोई बिना जल के भी रहते हैं निर्जल लॉन्ग टर्म करके। ये बड़ा उपवास चिकित्सा है, ये अब एक प्रकार से रूढ़िवाद में बदल गया है, लोगों को पता नहीं है कि किस तरह से उपवास रखना चाहिए। ये भी एक तरीका है, पैथी है, अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए। अब आप खूब केला खाते हो, खूब सेब खाते हो, खूब फलों को खाते हो और आपका उपवास चल रहा है, दोनों टाइम खूब चाय खूब दूध पी रहे हो, फिर तो वो रोटी खाने से भी ज़्यादा तुमने ठूँस ठूँस करके आपने भोजन कर लिया, फलार कर लिया ना। तो फिर क्या होगा, फिर वो काम नहीं हो पाएगा जो आप करना चाहते हैं। आप करना भी नहीं चाहते, आपको पता भी नहीं है। सही बात तो यह है, नवरात आ गए, पहला व्रत रख लिया या 9 दिन रख लिए, मंत्र साधना कर लिया, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया, बस ये परंपरागत बना हुआ है, लॉजिक नहीं पता है। तो जो चर्चा चल रही थी कि नौ ये ऋतु काल आ रहा है, इसमें हमें शरीर को शुद्ध करना चाहिए, अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, मंत्र जप करके, ध्यान करके, प्राणायाम करके, अच्छे विचार करके। तो तन की शुद्धि के लिए
मन की शुद्धि के लिए और प्राणों की शुद्धि अर्थात पंचकोश की शुद्धि करने का ये प्रोग्राम है नव दिवसीय। डिटॉक्सीफाई कर दो, अपने अंदर की गंदगी को निकाल दो, अन्नमय कोष की गंदगी, मनोमय कोष की गंदगी, प्राणमय कोष की गंदगी, विज्ञानमय कोष की जो गंदगी है, आनंदमय कोष की गंदगी अर्थात जिसकी वजह से तुम आनंदित नहीं रह पाते हो, ऐसे गंदगी को डिटॉक्सीफाई कर दो। और ऐसे समय में अगर तुम वीर्य को खर्च करोगे तो तुम्हारी जो इम्यूनिटी शक्ति है वो और नष्ट हो जाएगी, इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, वो क्रश हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसलिए नवरात्र में जितना संभव हो वीर्य की रक्षा करो, संरक्षण करो, और जो आप उपवास रख रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं, ये एक चिकित्सा है, इसको उचित देख रेख में करें। अब कुछ लोग सवाल करेंगे गुरुदेव कैसे रहना चाहिए, हाँ ये तो हमसे भूल हो गई, हमको पहले वीडियो इस पर एक बनाना चाहिए, किसी ने सवाल भी नहीं किया तो हमें ध्यान भी नहीं आया इसलिए भूल हो गई। करना क्या है, जो 6 महीने तक खूब ठूस ठूस के खाया है वो नवरात्रि में ठूस ठूस के नहीं खाना है। अगर आप मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति हो तो आपको शाम का भोजन या फिर रात्रि का भोजन आधा पेट कर देना चाहिए। मेहनत मजदूरी वाले जो 8 घंटे हार्ड वर्किंग कर रहे हैं या फिर जो रेसलिंग का कार्य कर रहे हैं, समझ लीजिए सूत्र में बोल रहा हूँ, जो लोग मोटरसाइकिल पर फील्ड वर्क कर रहे हैं उनसे थोड़ा माने लेबर क्लास से थोड़ा कम परिश्रम कर रहे हैं थोड़ा, ऐसे लोग दोनों समय फलाहार कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें सूर्य अस्त होने से पहले पहले ग्रहण करें तब इसका पूरा लाभ मिलेगा। और जो लोग केवल ऑफिस वर्किंग का कार्य करते हैं या टीचिंग का कार्य करते हैं ऐसे लोगों को एक समय फलाहार लेना चाहिए और शाम के समय में दूध ले सकते हैं, या फिर सूर्य अस्त होने से पहले एक टाइम फलाहार ले लो और दिन में दूध या कोई भी पेय पदार्थ ले सकते हो। लेकिन जिनका बीपी लो रहता हो वो लोग सेंधा नमक का प्रयोग अवश्य करें, अन्यथा केवल मीठे फलाहार पर रहने के कारण आपका बीपी लो हो जाएगा, चक्कर आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग ऑफिस वर्किंग भी नहीं कर रहे हैं तो ऐसे लोग जो केवल साधना प्रधान जीवन 9 दिन का जीना चाहते हैं तो और बिल्कुल हार्ड वर्किंग नहीं, जो प्राणिक माने जो योगिक क्रिया भी नहीं कर रहे हैं, प्राणिक क्रिया भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग पानी के ऊपर रह सकते हैं, फलों के जूस के ऊपर रह सकते हैं। ये थोड़ा कठिन कार्य है, इस पर आपको पर्सनली किसी से डिस्कस करना चाहिए। नवरात्र में आप सूर्यविज्ञान की साधना भी विशेष रूप से कर सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल की जाइए, वहाँ पर सूर्यविज्ञान साधना रहस्य के नाम से ही पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें से आप कुछ ज्ञान, सामान्य जानकारी, विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चर्चा चल रही थी कि संभोग करना चाहिए या नहीं, इसके फायदे नुकसान क्या, तो एनर्जी अगर इस समय नष्ट कर दोगे तो 6 महीने तक तुम बीमारियों के आघात को झेल नहीं पाओगे। चाहे तुम ट्राई करके देख लो, इन 9 दिनों में तुम खूब जम के सेक्स करो और मेरा दावा है 99% गारंटी से कह रहा हूँ, फिर पूरे 6 महीने तक तुम बीमारियाँ जब आएंगे तो तुम झेल नहीं पाओगे, बीमारियाँ दूर जल्दी नहीं हो पाएंगी तुम्हारी बॉडी से। हाँ वो बात अलग है, अगर कोई पहलवान है, अगर कोई क्षमतावान है, शरीर बल से संपन्न है, हो सकता है कोई अपवाद स्वरूप बच जाए, लेकिन इस समय एनर्जी को बचा के रखना बहुत जरूरी होता है। अब संभोग वो लोग कर सकते हैं, कौन लोग, हाँ एक मिनट, इसी प्रकार से क्योंकि 9 दिन जो दुर्गा माँ या देवी माँ की जो मान्यता है बालिकाओं के अंदर, इसीलिए देवी का रूप जो परमहंस रामकृष्ण परमहंस हुए विवेकानंद के गुरु जी,
वो 9 दिन अपनी पत्नी को माता के रूप में मान करके काली की उपासना करते थे। तो मातृ का जो रूप देखा है, नौ दुर्गा माने 9 रातें जो है, जो प्रकृति को माँ के रूप में देखा है, कल्पना की गई है, स्वीकार किया गया, वो इसीलिए कि कहीं आप पत्नी से सेक्स ना कर बैठे, इसलिए आप माँ का माँ के रूप में उसको देखिए, आप साधना करिए, आपके मन में स्वच्छता रहे, डिटॉक्सिफाई हो। हाँ, और यदि नवरात्र में कोई तंत्र की साधना करना चाहता है हठ योग के द्वारा, जिसने अपनी काम ऊर्जा को नियंत्रित करने का अभ्यास जो करता है, पहले से करता है, और जो अपनी पत्नी के साथ या सेक्स पार्टनर के साथ 9 दिन अपनी ऊर्जा, काम ऊर्जा पे जो तंत्र के माध्यम से जो परीक्षण करना चाहता है, प्रयोग करना चाहता है, वो लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यही होता है, अनुबंध एक ही होता है, एग्रीमेंट एक ही होता है कि वीर्य क्षीण ना हो, तब तो वो तांत्रिक संभोग जो है सफल है, अन्यथा जो है असफल प्रयत्न मात्र बन करके रह जाएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। ओम शांति, ओम क्रांति। वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि समाज में जागरूकता पैदा हो।